आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछला अध्याय में भी त्रिकोणमितीय अनुपात था, तो उसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े थे, आधार बटा कर्ण वाला फार्मूला अप्लाई किए थे, पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई किए थे। इसमें थीटा को लेके चलेंगे, ठीक, एक न्यून कोण लेके चलेंगे, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बोल रहा है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में चर्चा हम करते हैं, ठीक। इस भाग में अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे तो 0 डिग्री का 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम 45 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक। सबसे पहले त्रिभुज लिया गया है 45 डिग्री, जिसका न्यून कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक। पिछला अध्याय में भी हम बताए थे, मान लीजिए कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये है, इसका न्यून कोण कितना है 45 डिग्री है, और तब ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ठीक। जब 45 45 कब होगा, जब दोनों भुजा बराबर होगा तब, तो हम दोनों मान लेते हैं एक, ठीक, लॉम भी एक और आधार भी एक, आधार ऐसा ही होगा ना, क्या होगा, और इसका कर्ण क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका कर्ण ज्ञात करेंगे ना जी, ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन वन क्या हो जाएगा, वन वन बराबर टू, कर्ण आया है देखो तो, आया ना इसी प्रकार। चलिए तो अब इसको हम लोग सौर तरीका से पहले त्रिभुज में समझ लें, त्रिभुज में समझेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको हम कहेंगे पी, इसको कहेंगे बी, जिस पर कोण बनता है उस भुजा को कहते हैं आधार, जो कोण बनता है उस भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक, समझ रहा है ना बात। आज उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लॉम, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तब इस अनुसार देखा जाए तो B बराबर यहाँ क्या हो गया मेरा X, P बराबर क्या है X, और H बराबर क्या है रूट ए टू ए, तीनों हो गया। अब हम क्या लेंगे, साइन 45, थीटा क्या ले रहे हैं, साइन 45, साइन 45 लेंगे तो साइन 45 में हमारा होगा लॉम बटा कॉस, शॉर्ट लेके चलते हैं पी बटा एच, तो पी का मान कितना है एक्स, प्रश्न कितना है एक्स, आइए कितना है रूट टू एक्स, एक्स एक्स खत्म, वन बटा रूट टू आता है साइन 45 का मान। चलिए अब और ट्रिगोमेट्री अनुपात लेकर चलते हैं, ये साइन का हो गया, इसी प्रकार देखिए ये साइन का दिया हुआ है, दिया उसी प्रकार दिया है कॉस का, उसी प्रकार टैन का, ठीक। चलिए एक बार हम देख लिए, अब अगला लेंगे कॉस, कॉस 45 लेते हैं तो कॉस 45 का क्या होता है बी बटा एच, बी का मान कितना है एक्स, और एच का मान कितना है टू एक्स, एक्स एक्स वन बटा हो गया। अब टैन 45 लेंगे, टैन 45 का होगा कोण बटे आधार, यानी पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी का मान कितना है एक, या नीचे का मान एक, इसलिए टेन 45 क्या हो जाएगा एक होगा कि नहीं होगा, क्लियर है।
अब हम बार बार बोलते हैं साइन का क्या होता है अपोजिट, साइन का कॉस एक्स। चलिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये 45 डिग्री तो ये हो 45। अब क्यों, चूंकि जब दोनों भुजा सेम होगा तो दोनों एंगल सेम होगा, तो यहाँ ए बी बराबर बी सी, तब एंगल सी बराबर एंगल ए, भुजा बराबर तो एंगल बराबर। अब एक 90 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा 45 से 45, क्योंकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 के बराबर होता है, सबको जानता है ना। तब जोड़िए है 90 45 45, सब 180 हो गया। चलिए डिटेल मैंने बढ़िया से समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि वहाँ x लिया है प्रश्न में, हम यहाँ एक लेते हैं, क्लियर समझते हैं। अब एक लेंगे दोनों तो कर्ण बराबर क्या करेंगे, ये मान लीजिए पी हो गया और ये हो गया डी, तो कर्ण हो गया एच बराबर हो गया पी का स्क्वायर प्लस, हाँ एच बॉडी लिखा हो तो बी बोलिएगा लोग एच का स्क्वायर, क्लास में रहिए लोग, 1+1 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कुछ भी मन नहीं रहेगा ना, 1 1 क्या हो गया 2, कौन भी निकल गया ना, तीनों निकल गया। अब हम एक एक पॉइंट लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर चलते हैं। पहला लेकर चलेंगे साइन 45, तो सबको जानता है साइन 45, यानी शुरू में कट चलते थे तो पहले का याद रखिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर पी बाई ए, इसके बदला में हमारा क्या हो गया है साइन 45, क्या हो गया है साइन 45। तो यहाँ एक और नीचे कितना हो जाएगा रूट ए, दूसरा साइन, उसके बाद चलते थे कॉस, कॉस थीटा का क्या होता था बी बटा एच होता था, तो अब हमारा थीटा के जगह क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब बी कितना है 1/2, अब लेकर चलेंगे टैन थीटा, टैन थीटा का कितना है टैन 45 डिग्री, और टैन 45 का अब यहाँ थीटा है तो क्या लिखते हैं पी बटा बी, यानी 1/1 बराबर हो जाएगा एक। अब दिमाग में बात एक ही रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, अब साइन का उल्टा लिखते हैं अपोजिट क्या होता है बता देते हैं, एगो तीर इसमें है एगो तीर इसमें है कि पलटता कैसे है बता दे। साइन का होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा टी, तो यहाँ भी हमारा मान क्या हो जाएगा, इसका हमारा मान जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 45 हो जाएगा ना, 45 डिग्री बराबर रूट 2/1, तो खाली रूट 2 ये छोड़ देंगे, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब यहाँ बदलिएगा कॉस का सेक, क्या हो जाएगा सेक थीटा, अब सेक थीटा को एच बाई बी, अब इसी अनुसार इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री बराबर रूट 2/1, यानी रूट। अब टेन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, कॉट 45 डिग्री डायरेक्ट लेके रख देते हैं, कॉट 45 बराबर क्या हो जाएगा 1 के 1 रहेगा, क्यों पलटिए तो 1 है 1 रहेगा ना। यहाँ तक बोलिए एक बार अपना से समझ लीजिए, यहाँ तक अपना से एक बार समझ लीजिए, और जहाँ डाउट हो तहाँ पूछ लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा से कैसे हम लोग की कोई डिग्री मान रख के ज्ञात कर सकते हैं, दिमाग में बता गया किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बात ये बात समझ में आता है ना, साइन के अपोजिट क्या चलेंगे कॉस सेक, और कॉस के अपोजिट सेक, और टैन के अपोजिट कॉट, किसी को दिक्कत, तो ई हम एक थीटा पर ज्ञात किए कितना पर 45 डिग्री पर, थीटा का मान यहाँ कितना था 45 डिग्री था। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 30 और 60 को, ठीक,
30 और 60 पर चलते हैं। आप देखिए, अब अपने से तो त्रिभुज लीजिएगा नहीं, कुछ भी एंगल देकर तो बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में लीजिए कि उधर हम लोग लिए हैं समकोण त्रिभुज लिए हैं जिसकी दो भुजा बराबर थी और दोनों मिलकर समकोण त्रिभुज बना रहा था। तब उसका दोनों भुजा जब बराबर था तो दोनों एंगल जो बन रहा था न्यून एंगल यानी न्यून कोण वो भी बन रहा था 45 डिग्री। अब इसमें 30 एगो 60 कैसे भी भेद कर लीजिएगा, कोई त्रिभुज बना के कि हमारा 60 होगा एगो 30 होगा, नहीं ना। लेकिन थीटा दिया रहे तो सूत्र से आप मान भर सकते हैं, लेकिन कहा जाए कि थीटा से आप सूत्र ज्ञात कीजिए तब वहां पॉसिबल नहीं है। तब उसके लिए चलते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं। समबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में कहा जाता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तो मान लीजिए ए बी बी सी यानी हयो बराबर है, सब बराबर है, यानी इो एक्स इो एक्स इो ठीक, कोई दिक्कत। अब हम एक ही बात बताइए, जब भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होता है, तो एंगल बराबर होता है तो तीनों एंगल का मान होना चाहिए समान, और हमारा तीनों एंगल का योगफल भी होना चाहिए 180 से ज्यादा नहीं, 180 से ज्यादा नहीं। तो अब बताइए कि तीनों बराबर होगा तो अब नहीं 180 होगा, तो तीनों बराबर होगा तो मान लीजिए कि ये तीनों एंगल क्या है, समान है, तो समान मान लीजिए तो यो थीटा यो थीटा और यो थीटा बराबर 180, और दोनों तीनों थीटा जुड़ गया तो कितना हो गया 180, फाड़ दीजिए 60, तो एक कोण कितना आ जाएगा, तो तीनों कोण कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, तीनों 60 होगा। अब कह रहा है कि अब क्या कीजिए कि एंगल ए को समद्विभाजित कीजिए, क्या करेंगे, एंगल ए को समद्विभाजित करेंगे और ऐसा समद्विभाजित करके लंब खींचेंगे बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है, तो बीच से वो लंब खींचेंगे जो दोनों बराबर बांटता है इसको बी कहेंगे, तो पूरा एक्स था तो आधा क्या हो जाएगा एक्स बटा टू आधा हो जाएगा ना। अब ई हो गया 90 डिग्री और ई हो गया 60 डिग्री, किसी एंगल पर यानी किसी रेखा पर कोई एक परपेंडिकुलर रेखा रहता है तो 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता है, किसना का करता है 90 डिग्री का, यानी समकोण बनाता है ठीक। तो बताइए कि ए को समकोण हो गया यानी 90 डिग्री हो गया, एगो 60 डिग्री हो गया, तो तीसरा एंगल आपका क्या होगा, चूंकि त्रिभुज कितना भी छोटा बड़ा काहे ना हो उसका एंगल का योगफल कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो बताइए 60 है एगो 90 है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, 180 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ गया ना 30 डिग्री, कैसे 30 डिग्री आया है समझा रहा ना, कैसे 60 है पता रहा ना। अब क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा और ये मान लो कि हम ये एक्स है और ये एक्स बाई टू हमने लिया, वो क्या किया है कि एक्स इस बांच को टी एक्स लिया है, हम अपने तरीके से चलते हैं हम लोग अपना चले। अब मान लीजिए कि यहाँ भी हम बता देंगे वहां भी, अब इसको भी पहले पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए कि समझाएं तो वहां दिक्कत ना हो, पढ़िए तो ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा डीप करते हैं और अपना तरीका से समझते हैं। अब मेरे पास एक 60 हो गया, एगो 30 डिग्री थीटा हो गया ठीक। अब दिमाग में बात हो, अब हम थीटा 60 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, लेकिन अब आधा भाग त्रिभुज का ले लिया जाए, ये कितना है 60, ये कितना है समकोण, ये है ए, ये है डी, डी होगा और ये है डी हो गया, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारा एक्स बाई टू और ये हमारा एक्स, वो क्या किया है कि यहाँ 2x लिया है तो आधा कर दिया x, 2x के आधा x, हाँ हमारा x है तो x के आधा x बाई टू हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है बताइए, तो लंब नहीं है, लंब ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ b बराबर दिया है, यहाँ h बराबर दिया है, p बराबर ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर घटाओ
आधा आर स्क्वायर, तो कौन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर घटाओ एक्स बाई टू द होल स्क्वायर, और घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर बटा दो दुनी की दोनों कैल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, ये गुना हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए कि चार एक्स में से घटेगा तो थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, अब रूट अंडर थ्री और एक्स दूगो हो गया, और चार का क्या लिखेंगे दो गुने दो, अब बताइए जो जोड़ा लगता है बाहर आ जाता है, तो थ्री तो रूटे में रह गया जोड़ा लग गया एक्स बढ़ गया बटा दो बाहर आ गया, तो हमारा लॉ में क्या हो गया रूट थ्री बाई टू एक्स। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब ऐसा ही चलेंगे साइन 60 डिग्री, अब बार बार सूत्र लिखना तो जरूरी नहीं है, पीछे सूत्र एकदम डिटेल में लिख दिए हम लोग। अब साइन 60 डिग्री अगर जो होगा तो साइन 60 आप लोग भी जानते हैं पी बटा एच, पी का मान कितना है रूट थ्री बाई दू एक्स, एच का मान कितना है एक्स, एक्स एक्स खत्म तो रूट थ्री बाई दो, 60 का मान आ जाएगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत? ऐसा ही सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा, साइन निकाल दिए तो साइन का उल्टा कॉस एक, तो दो ऊपर रूट तीन नीचे, इसमें कौन सा समझा रहा है ना। चलिए ज्ञात कर दें कॉस, कॉस 60 डिग्री लिखिएगा तो क्या होता है डी बटा एच, डी कितना है एक्स बाई टू, यही कितना है एक्स। अब देखिए नीचे एक्स ऊपर एक्स, इसको और आगे बढ़ाइएगा तो एक्स बाई टू इंटू टू एक्स, एक्स एक्स खत्म एक बटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब दुई को समझा के छोड़ दें, बाकी तो समझ में आइए जाएगा, टेन का निकाल लीजिएगा तो टेन का निकालिएगा तो ये ऊपर मान लो टेन का निकालते हैं टेन 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री का पी बटा क्या होता है बी, तो पी का मान कितना है रूट थ्री एक्स बटा टू, और बी का मान कितना है एक्स बटा टू, एक्स बटा टू से एक बटा टू खत्म होगा तो रूट थ्री बन गया, हुआ कि नहीं हुआ रूट थ्री हो गया ना। इतना देर समझाए हैं तनी समझ लीजिए बात, जब भी क्लास रिकॉर्ड हो तो बस इशारा ही काफी है, ठीक है। चलिए अब 30 डिग्री की बात करते हैं, ये तो हम 60 डिग्री लेकर चले हैं, अब ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, तो किसी को दिक्कत रेशियो ज्ञात करने में? दिक्कत हो तो वीडियो फिर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस एंगल को ऐसा ही लिए थे, अब एंगल को पलट देंगे, अब इसको बेस बना देंगे, बेस P बराबर हमारा आया था रूट थ्री बाई टू एक्स, अभी हो गया मेरा 30 डिग्री एंगल A, वहां एंगल P चला था यानी D, यहाँ का B चला था, इसमें क्या चलेंगे A चलेंगे, आई हमारा क्या हो जाएगा x बाई टू, आई हो जाएगा x, अब ये वाला 60 डिग्री ये b हो गया, ये आपका d हो गया, ठीक। अब इसमें चलिए साइन, अभी हो गया b और ये हो गया h, साइन 30 डिग्री तो इसके लिए ये तो फी हो जाएगा ये, अभी हो जाएगा b, बदल जाएगा ना जब ये थीटा लेंगे तो इसका सामने वाला सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, ये आधार भुजा हो जाएगा, तो साइन 30 बराबर पी बटा एच, अब यहाँ क्या है एक्स बटा टू बटा एक्स, एक्स एक्स खत्म एक बटा हो गया, इसी प्रकार कॉस का निकाल दीजिए बी बटा रूट थ्री बटा टू एक्स बटा एक्स, एक्स एक्स खत्म रूट थ्री बटा, ऐसा ही टेन 60 का, टेन 60 का निकालिए 30 का ना, टेन 30 का निकालिए पी बटा बी, पी का मान कितना है एक्स बटा एक्स टू, एक्स टू खत्म वन बटा रूट हो गया, यहाँ तक मैं किसी को दिक्कत? एंगल बदल दिए मान आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, अब ये समेटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। ये सब पर दसवा क्लास कम ही ध्यान देता है, डायरेक्ट उसको याद आसान पड़ता है कि साइन पी सतना कॉस पी सतना, बस याद कर लो एग्जाम निकल देना चाहिए।
चलिए देखिए, तो मान दिया है सर। मिला लीजिए तो पढ़ लीजिए एक बार सब, तो मानो सही ज्ञान किया है ना। हो गया सबका मानिया दिया हुआ है, देखिए तो सब। फिर यहाँ दिया है 30 का, और क्या दिया है यहाँ 60 का, 60 का सब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं 0 डिग्री पर। कितना पर चलते हैं? 0 डिग्री। कह रहा है कि जीरो का त्रिकोणमितीय अनुपात माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल बीएसी थीटा। तो साइन थीटा बीसी बाई एसी कॉस थीटा एबी बाई, मैंने वही कहने का मतलब लंब बटा कर्ण कॉस आधार बटा कर्ण टैन लंब बटा आधार। अब ऐसे में कह रहा है कि अगर जो हम साइन जीरो लेंगे तो ऊपर वाला का जो जीरो हो जाएगा, जीरो कब होगा? जब हाइट जीरो हो जाएगा। समझो ये समकोण है तो ये कौन है, हाइट जीरो कर दीजिए, हाइट जीरो हो जाएगा यानी यही बनेगा, यही आके कर्णवा यही मिल जाएगा, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा? जीरो। तो पी बराबर क्या हो गया? जीरो। तो पी हमेशा जीरो होगा, तो देखो जहां जहां पी है तहां तहां जीरो कर दिया। चलिए सबको जानते हैं कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे जीरो, लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे अपरिभाषित। हो गया। अब अगर जो कह रहा है कि 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? थीटा 90 डिग्री हो जाए, उसके लिए क्या है सर? तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका ए बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एक सीधा होगा तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, बी यहाँ जीरो हो जाएगा। अब बी जीरो हो जाएगा तो बोलिए 90 साइन 90 बराबर ए सी बाई ए सी हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो 1 होगा। लेकिन यही कभी बीसी में आधार जीरो से करना हो तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो सब समझ रहा ना? नहीं समझे? मान लीजिए कि हमको ये समकोण त्रिभुज ये न्यून कोण है, ये थीटा है, ये थीटा को 90 बनाना है। तो 90 बनेगा कब? जब ये जीरो हो जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, तो यहाँ बेस बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। पी बराबर कुछ ना कुछ पी देवे करेगा, कर्णो बराबर मान लीजिए समथिंग कुछ भी। अब क्या कीजिए, बी बराबर हमेशा आपका जीरो होगा, तो बी हमेशा भाग लगाइए तो क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला जो पीछे आया है ना जीरो का, वही हाल इसका भी होगा, उसमें पी जीरो था, इसमें बी जीरो हो जाएगा। तो बी जीरो, अब नीचे जीरो से भाग कीजिएगा तो अपरिभाषित, ऊपर जीरो रहेगा तो जीरो, और दोनों कर्ण बराबर हो जाएगा तो ठीक। अब इसी का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। एक और तरीका बहुत बड़ी से पूछता है एग्जाम में, यह याद रखिएगा। दिखाई दे रहा है ना? दिमाग में बात रखिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आप लोगों की किताब में आता है या एग्जाम में आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का आचरण जबकि थीटा और जीरो से 90 तक विचरण करता है, थीटा का करता है, थीटा जब जीरो से कहां तक जाता है? 90 डिग्री यह बढ़ता है, जीरो 1 2 3 5 10 30 15 45 डिग्री बढ़ते चल जाएगा। तो कह रहा है कि जब हम जीरो से 90 के तरफ जाते हैं ठीक, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है यानी जीरो से बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा से साइन जीरो बराबर जीरो होला और साइन 30 बराबर का होला 1/2 होला,
बढ़ गए जीरो से, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा यानी 90 तक जाएगा ओसे ओसे क्या होगा साइन का मान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 1 तक चल जाएगा, इसलिए साइन 90 1 होता है। तथा न्यूनतम मान 0 होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है ओसे से कोस का मान घटता है। अगर जब कभी आगे एग्जाम में दे दे साइन 15 डिग्री साइन 55 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 35 डिग्री तो अब बतावा लोग कि एक तो मान ज्ञात कर लिख लही ने बड़ा लोग तो इसका कहे कि बढ़ते क्रम में सजा या इनमें से कौन सा बारह है, तो एक ही फॉर्मूला यही आएगा कि थीटा जैसे से बढ़ता है उससे साइन का मान बढ़ता है, तो जो सबसे बड़ा डिग्री होगा वही आंसर होगा, तो कौन होगा सबसे बड़ा 70 डिग्री या सबसे छोटा 15 डिग्री होगा। अगर जो यही हम कॉस 55 कर दें कॉस 15 कर दें कॉस 70 कर दें और कॉस 35 कर दें, अब इसमें कहें कि सबसे बड़ी बताइए तो आप तो वही कहिएगा 70 उमे बड़ा तो इसमें 70, लेकिन नहीं नियम कर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है कॉस थीटा का मान घटता है यानी सबसे छोट का इसमें 12 होगा यानी कौन होगा कॉस 15 12 हो जाएगा। साइन में बढ़ते क्रम में है तो इसमें तो दिक्कत है नहीं है, सब जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा उससे से हमारा मान बढ़ेगा उतना डिग्री मारा जाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कह दे तो बढ़ते क्रम के मतलब होता है सबसे छोटा तब 12 तब, तो एक नंबर ई हो जाएगा, दो नंबर ई हो जाएगा, तीन नंबर ई हो जाएगा, सबसे बड़ा 4। एग्जाम में यही आता है बढ़ते क्रम, तो ई पॉइंट सबसे बड़ी इफेक्टिव है, मतलब आपके लिए है कि प्रभाव डाल सकता है, दिमाग में बात रखिए। आगे बढ़ते हैं, थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ टैन थीटा का मान बढ़ता है जबकि टैन 90 अपरिभाषित हो जाता है, मैंने 90 भी टैन भी जाकर करता है बढ़ता है, टैन थीटा भी जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है उसे से मान बढ़ता है। 0 से 90 के बीच के मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का देखो नीचे मेन पॉइंट दिया हुआ है, आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा देख लीजिएगा। देखो साइन टैन से बढ़ता है, साइन टैन से थीटा बढ़े तो बढ़ेगा और थीटा घटे तो घटेगा, और कॉस यहाँ कॉट लिखना चाहिए कॉट कॉस कॉट और कॉसे थीटा बढ़े तो घटता है, थीटा बढ़े तो यानी साइन बढ़ी तो कॉस घटी और टैन बढ़ी तो कॉट घटी और सेक बढ़ी तो कॉसे घटी, और अगर जो ई सब बढ़ेगा तो वो सब घटेगा, ठीक है समझ रहे ना। इसका विपरीत वो होता है, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं साइन का विपरीत कॉस, तो साइन आगे बढ़ेगा तो कॉस क्या होगा घटेगा और कॉस बढ़ेगा तो साइन, सुना रहे ना। चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत, अब एक और बात जान लीजिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई, अब पाई में रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं रेडियन कहते हैं। अगर जो 90 डिग्री करना है तो दोनों ही दो कर दीजिए, तो ई 90 तो पाई बाई 2, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर जब डिग्री से रेडियन में बदले ला कहे तो पाई बटा गुना कर दो, मान ले कह दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में बदले तो पाई बटा 180 गुने 30 कर दो 36 पाई बाई 6, ठीक है। यूं समझो एक और तरीका, जब 180 बराबर होला पाई तो एक 30 कर ले तो कितना से भाग देव 6 से है ना, 6 से देव यो 30 डिग्री यो पाई बाई 6 बराबर हो जाए, एक 45 कर ले हुई तो कितना से भाग देव 4 से 45 तो यहाँ 4 से दोनों ने बराबर करे चलो पलड़ा बराबर हो चल जाए कोई दिक्कत नहीं का नो। चलो आगे त्रिकोणमितीय अनुपात सबका दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, हमने भी फॉर्मूला बताया था यही कि पहले क्या किया है कि साइन 0 का 0, ठीक हमने भी बताया था बहुत आसान तरीका से कि देखिए ज्यादा याद ना हो तो एक ही शॉर्टकट तरीका चलिए,
पहले लिख दीजिए 0 डिग्री, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 के बाद 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब चुप चानी का करिए, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब इसका अगर जे त्रिकोणमितीय अनुपात लेना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात अगर जे यहाँ साइन है तो साइन 0 तो सब बटा 4 कर दीजिए। क्या करेंगे अब? सबका और मूल निकाल देंगे। हो गया। 0 में कौन संख्या से भाग दीजिए? 0। ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट निकल जाएगा। ये 2 से 2 खत्म हो गया तो 1/√2। ये तो ऊपर वाला रूट में रह जाएगा, नीचे वाला 4/2। ये तो 4 से 4 खत्म, यानी ये साइन का निकल गया। साइन का निकला कि नहीं निकला? निकल गया ना। चलिए साइन में कोई दिक्कत? आ साइन के उल्टा क्या कह ले बानी? बहुत बढ़िया, cos थीटा। तो होने वाला एने मान लिख दो, होगा प्लॉट के लिख देने। कोई दिक्कत है क्या? नो कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं। टैन, टैन बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस का मतलब 0/1। अब 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा? 0। अब ऊपर 1/2 और नीचे हो जाएगा √3/2। नीचे से नीचे खत्म, 1/√3। ये लिख दीजिए 1/√2 और बटा 1/√2, दोनों सेम खत्म हो गया। क्या बच गया? 1। ये लिख दीजिए √3/। अब यहाँ समझे ना कि बटा में है, नीचे से नीचे खत्म, तो √3। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं और बड़ी बात हो गया। कोई दिक्कत? अब कॉट का लिखना हो तो इसको पलट दीजिए, उधर वाला इधर, इधर वाला। कोई दिक्कत? त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र भी याद कर जाइएगा। ये समझ में आ रहा है ना? याद कीजिएगा। कोई दिक्कत है? जिसको याद करने की एबिलिटी नहीं होगा, सवाल बनाते बनाते एबिलिटी आ जाएगा। हमको लग रहा होगा कि इसमें बहुतों को याद भी है और याद भी हो जाएगा। सवाल आप लोग से इतना ना वर्क कराया जाएगा कि बहुत सा ऐसा सवाल है जो याद आप लोग को हो जाएगा। चलिए इस पर सवाल बनाते हैं। सबको त्रिकोणमितीय अनुपात का रेशियो दिमाग में बात रख लो। चलिए ये हम लोग का सवाल है। ऐसे रखेंगे तो सब कोई सूत्र से देख के बोल देगा। आप लोग के पास सूत्र अवेलेबल है? सूत्र निकालिए, जैसे जैसे बोलेंगे उसे से मान बोल देगा। ठीक। एक नंबर सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए, साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, यही ना है? तो चलिए हल बनाते हैं। साइन 60 का मान बोलिए लोग को, रूट कॉस 45 1/√2। अच्छा कॉस 60 1/√2 और साइन 45। कोई दिक्कत? अभी हो गया क्या चीज? कचोवा का मायल मान बढ़ दिए तो क्या हो गया? पांचवा का मायल। बोडो मास पढ़ ले बड़ा लोनो, बोडो मास में जोड़ घटाव के साथ रहला, बस इबा बटा के जोड़ घटाव गुना बा। अब सबसे पहले क्या कर जाला? गुना। तो नीचे गुना करबो ऊपर √3, 1 में गुना करबो कोनो प्रभाव ने, 2 के 2 2 √2 हो जाई प्लस 1 2 √2, दोनों की एलसीएम निकलबो सेम बा, तो 2 √2। अब ऊपर √3 प्लस 1, ऊपर भी सेम लिखा है, जब बेस सेम तो अंश भी सेम।
और बताना आंसर हो तो ठीक बा, लेकिन मैथ में उतना छोड़ा लेपर में करण कर दिया ला। मैथ के नियम होला कि बट्टा में रूट नहीं छोड़ल जाला, ठीक। तो रूट नीचे है तो नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, रूट दो ऊपर गुना रूट दो नीचे। अब ये गुना करेंगे तो रूट अंडर का हो जाएगा छ, आई हो जाएगा रूट अंडर दो, और नीचे दो और रूट दो मिल के हो गया दो। चूंकि याद रखिएगा रूट दो में रूट दो से गुना कीजिए तो दो हो जाता है, ठीक। तो अब याद रखने बात है, अब छ प्लस रूट दो यानी छ रूट और रूट दो हो गए तो कितना हो जाए नीचे दो दूनी के चार। बोलिए लोग कोई दिक्कत है ना, समझा ना। अब ऐसे एक और दिया है लेकिन कुछ तनी और तनी मॉडिफाई देखा जाए, इसमें का तीन नंबर बनाया जाए, ठीक। डायरेक्ट मान भर के बना दिया जाए, सब कोई को सवाल दिखाई दे रहा है ना। चलिए दो का तीन, दो का तीन का डायरेक्ट हल बनाते हैं। चलिए थ्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो थ्री कॉस 30 का मान बोलिए लोग, रूट थ्री बाई का होल स्क्वायर, सेक 30 का मान बोलिए लोग, दो बाई सही है इसका भी स्क्वायर। चलिए टू कॉस जीरो है तो कॉस जीरो जीरो होता है कि वन होता है, वन होता है तो वन हो गया। अगला सवाल में थ्री साइन नब्बे, तो यह क्या होगा, थ्री इंटू नब्बे का मान वन और टेन साठ का मान रूट थ्री, होल स्क्वायर हो गया, दिखाई दे रहा है ना। अब इसका बनाएंगे तो अब सबको ही जान रहा है कि स्क्वायर है तो रूट खत्म, दुदुनी दो दुनी चार, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो गया ना स्क्वायर से। अभी हो गया दो एकम तीन एकम, और इसका भी स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस सात, ये तीन तरीके नौ बटे प्लस दो। अब इतने बचा ना, अब एलसीएम निकालेंगे, चौथी आई नौतिया चार चौका आई बारह दुनी, अब दो को जोड़ है एगो घटाओ है, कितना होना चाहिए बोलिए। दोनों प्लस है जी, बीच में माइनस हम लोग का कहाँ गया है, ये प्लस है और है कि माइनस बीच में कहाँ से आ गया। चलिए अब देखा जाए, मिस्टेक कभी कभी हुई जाता है। अब ये जोड़ दीजिए सब क्या होगा है, ये दोनों जोड़िए तो कितना होता है, चालीस, चालीस और बीस और साठ और सात, पूर्णांकों में तोड़िएगा, लिखा तोड़ दीजिए, बारह पचे आ गया आंसर। देखिए मान भर दीजिएगा ना तो पांचवा छठा का बोडो मास मिल जाएगा, बोडो मास मनाते रहिए, एक के बे जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक। और किसी को दिक्कत बनाने में सवाल, आप लोग लेसन बनाइए, ठीक, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए रहिए लोग, आप लोग भी ऑनलाइन भी बोल दे रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ठीक। इतना पर ही ना व्यूअर बढ़ाइए लोग, दोनों क्लास बहुत दिया जा रहा है ऑल नेट यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन भी, ठीक। इसमें भी बहुत सा सवाल है, कल डिस्कशन चलेगा इसी से, ठीक। इसमें भी बहुत सारा सवाल है, देखा जाएगा कल भी एक क्लास चलेगा इसका, एक क्लास और लिया जाएगा, ठीक। चलिए और सैटरडे को सब कोई जान रहे हैं कि हम लोग क्या लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, ठीक। सैटरडे का क्लास वही रहेगा, ठीक। आज का यही क्लास समाप्त करते हैं, दिन शुभ हो आप लोग का।